तो गुणन साहचर्य का नियम देखिए, इसमें साहचर्य का मतलब है साथ रहने का नियम, है ना। इसमें कैसे होता है ये देखो, ये इस टाइप का होता है, ए गुणित बी गुणित सी बराबर, ए अलग हो गया, पहले ए बी के साथ था, पहले बी किसके साथ था, पहले बी ए के साथ था, अब भी किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया। इसको कहते हैं गुणन सहचारी का नियम, है ना। जैसे कि एग्जांपल में ले लो आप, तीन गुणित चार गुणित पाँच बराबर तीन गुणित चार गुणित पाँच, ये देखो तीन का बड़ा चार बार बोलो, गुणा हो रहा है, तीन चौक बारह, यहाँ पे बारह हो गए। अब बारह का पड़ा पांच बार बोलो, सात, तीन, देखो बिल अंदर का कर लो, पांच का पड़ा चार बार बोलो, पांच का पड़ा चार बार बीस, अब बीस आ गए, बीस का पड़ा तीन बार सात, तो दोनों तरफ सेम हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो ये सहचार्य का नियम कहलाता है, इसको सहचार्य का नियम कहते हैं। मतलब x गुणित y गुणित में z, अब z x अलग हो गया, x अलग हो गया तो y के साथ z आ गया, तो ये हो गया आपका, मान लो ये मैंने लिया पांच गुणित छ गुणित सात, तो ये हो जाएगा पांच अलग और छः गुणित सात, छः पंजे तीस, और तीस का गुणा सात में करेंगे, छः पंजे तीस गुणित सात, और ये हो गया छः सात बयालीस, छः सात बयालीस, और ये सात का गुणा तीन में करो, जीरो की जीरो, सात का जीरो में करेंगे जीरो, सात या इक्कीस, पाँच का पारा दो बार बोलो, पाँच गुणित दस की जीरो, हासिल है पाँच चौक बीस और एक इक्कीस, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस। चलो तो ये कौन सा नियम कहलाता है, इस नियम को कहते हैं सहचारी नियम, गुणन का सहचारी नियम।